brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. तो अब अपने दादा को जिताने के लिए नन्हे सहस्त्र जय भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के लिए राघोगढ़ राज परिवार की तीन पीढ़ियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। जयवर्धन सिंह अपने पिता दिग्विजय सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं सहस्त्र जय सिंह अपने दादा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। महज 7 साल के सहस्त्र जय अपने पिता जयवर्धन सिंह के साथ गांव गांव पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। सभा में जनता आज पूछ रही है, 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन भाजपा के राज में महंगाई दोगुना हो गई, पेट्रोल के दाम दोगुना हो गए, रसोई गैस के दाम दोगुना हो गए, डीजल के दाम दोगुना हो गए और आज जनता भाजपा की महंगाई से परेशान है। वहीं विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि चुनाव के जीत के बाद भाजपा सरकार लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये देगी, लेकिन किसी को नहीं दिया, ऐसा धोखा क्यों? तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण इस बार जनता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को। बता दें कि 30 साल बाद एक बार फिर दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि सीट पर दिग्विजय सिंह रोडमल नागर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जब से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तभी से यहां माहौल देखने लायक बनता जा रहा है। दिग्विजय सिंह क्षेत्र में काफी एक्टिव हो गए हैं। पदयात्रा निकालकर गांव गांव पहुंच रहे दिग्विजय सिंह को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अब दिग्विजय को जिताने के लिए उनका 7 साल का पोता भी प्रचार में उतर चुका है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, एमपी तक।